अस्सलामुअलैकुम, रवि फजल पर आप लोगों की खिदमत में हाजिर। आज मैं जुनेद अकेडमी के ही अंदर मौजूद हूँ, जिनका एक प्रोजेक्ट है और हमारा जो एम है कि दूसरों को मोटिवेट करना। तो आज का जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ वो है कंपेयर या कंपैरिजन, जिसको कहते हैं। हमारे एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि हम कंपेयर करने बैठ जाते हैं एक चीज़ को दूसरी चीज़ से। अब लाजमी नहीं है कि अगर एक बावर्ची इटालियन अच्छा बना सकते तो वो चाइनीज भी अच्छा बने। अब एक आप इटालियन जो को कह इटालियन शेफ है, अगर आप उसको चाइनीज शेफ से कंपेयर करेंगे तो आप सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। तो हमें कभी भी आप कंपेयर ना करें। अब आप अपने बच्चों को कंपेयर कर रहे हो दूसरे से, आप उसको एक रेस में लगा देते हैं कि 80% लानी, 90 लानी, फलां का बेटा ये लाएगा, फलां का फलां की बेटी वो लाएगी। तो आप उसको ये नहीं बोल रहे बेटा पढ़ो, इंटरव्यू देना है आगे, तो मैं आगे तुम्हें अपनी लाइफ सेट करके आपने उसको कंपेयर करके आपने एक रेस में लगा दी कि तुम्हें दूसरे से आगे भाग रहे हो। तो हम इंसान हैं, हम जानवर नहीं है कि हमें एक रेस में लगा दें तो हमें बस दूसरे से आगे भाग के पहुँचना है और फर्स्ट पोजिशन लानी है। फर्स्ट पोजिशन लाने एम ही एम है सीखना। हम अपने आप को दूसरे से कंपेयर करने बैठ जाते हैं। अगर मैं कहूँ कि मुझे शाहरुख खान की तरह एक दिन के अंदर एक्टिंग करनी, तो मैं कभी नहीं कर सकता। उसे 30 साल की मेहनत करने के बाद वो एक शाहरुख खान बने और मैं अपने आप को उससे कंपेयर करूँगा तो मैं अपने आप को डीमोटिवेट कर रहा हूँ। ये मेरी सबसे बड़ी गलती है कि मैं दूसरे से कंपेयर कर रहा हूँ। आई एम बेस्ट, आई एम गुड, मैं सबसे परफेक्ट हूँ। हाँ, मेरे अंदर जो खामियाँ मैं उनको सीखूंगा, मैं उनको पॉलिश करूंगा, उनमें चेंज लेके आऊँगा, लेकिन मैं अपने आप को दूसरे से कंपेयर करने नहीं बैठूँ। अब अगर दूसरा इंग्लिश अच्छी पढ़ा सकते तो मैं मैथ्स अच्छी पढ़ा सकता हूँ। लाजमी नहीं है कि मैं इंग्लिश का गुड टीचर हूँ वो मैथ्स का गुड टीचर हूँ। मैसेज है वो यही है, स्पेशली पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों को कंपेयर करते हैं उनको रेस में लगा देते हैं, वो उनके ऊपर बेचारे ऊपर इतना बर्डन हो जाता है कि वो जो पढ़ रहे होते हैं वो सिर्फ रट्टे लगा के पास कर देते हैं और फिर उनका आगे जो फ्यूचर खराब होता है उसकी जिम्मेदार आप खुद होते हैं क्योंकि आप कंपेयर कर रहे होते हैं। किसी भी लेवल पे, वो आपके एक रिलेशनशिप है, आपके टीचिंग लेवल है, आपके स्टूडेंट लेवल है, आप किसी भी लेवल पे किसी भी रिलेशन के अंदर मौजूद हैं, कभी भी अगर आपको खुश रहना है, दूसरे को खुश रखना है और अपने आप को सुकून में रखना है तो कभी भी कंपेयर नहीं करें, ना अपने आप को किसी से, ना किसी को दूसरे से कंपेयर करें। तो आई होप यू लाइक माई वीडियो, टू सब्सक्राइब माई चैनल। इंशाल्लाह सी यू सून, तब तक अल्लाह हाफिज़।